देखिए, बजट के बारे में समझने से पहले आपको प्रोडक्ट के बारे में समझना चाहिए। प्रोडक्ट की प्राइसिंग के हिसाब से हमको बजट डिसाइड करना होता है। उससे पहले भी एक चीज़ आपको ध्यान देनी होती है कि जब भी आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, तो सबसे पहले आपके पास एक बजट तो मार्केटिंग के लिए भी होना चाहिए। मान के चलता हूँ, आपने वेबसाइट बनवाने में बहुत खर्चा कर दिया, आपने एड बनवाने में बहुत खर्चा कर दिया, लेकिन उससे ज़्यादा खर्चा आपको मार्केटिंग में करना है। आपको लेस करना है तो वेबसाइट मेकिंग में करिए, स्पेंड करना है तो मार्केटिंग में करिए। ठीक है, देखो एड्स क्रिएटिव के बारे में पहले सबसे पहले बात करते हैं। तो थोड़ा सा अभी देखो लाइन पे बने रहो, मैं ये बोलूँगा ताकि इन डेप्थ चीज़ों को समझ में आए। जब प्रैक्टिकली थ्योरेटिकली आप समझेंगे तब भी आप जान पाएंगे बजट कैसे काम करता है और कितने बजट हम लगाने चाहिए हमको। तो मैं बोलता हूँ ना, जो देखो बजट क्या है, मुझे कभी कभी क्या हुआ, मैंने 100 रुपये में एक कैंपेन, मैंने मान के चलो मैंने 600 में एक कैंपेन चालू किया, अब उसके अंदर जब 50 रुपये स्पेंड हुए मुझे ऑर्डर आ गए। क्यों आ जाते हैं आप जानते हो? क्योंकि जो कैंपेन मैं बना रहा हूँ उसका क्रिएटिव बहुत अच्छा है। ठीक है, तो क्रिएटिव के ऊपर पैसा खर्च करो और मार्केटिंग के ऊपर पैसा खर्च करो। वेबसाइट तो आजकल शॉपिफाई में फ्री ऑफ कोर्स वेबसाइट बना सकते हो, डेवलपर हायर करने की ज़रूरत नहीं है, काफ़ी सारे AI टूल्स है और वर्डप्रेस पे भी आप अच्छी खासी वेबसाइट बना सकते हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप मान के चलो आपने अपने बिजनेस के लिए ई कॉमर्स कर रहे हो, किसी भी चीज़ के लिए वेबसाइट बना लिया, इन्हीं से लिए जो बजट मैं रिकमेंड करूँगा। मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो, ई कॉमर्स कर रहे हो, भाई फेसबुक एड्स में आ रहे हो, 5-10 हज़ार रुपये कम से कम लेके चलो बजट के लिए, क्योंकि 3-4 दिन टेस्ट करने के बाद ही आपको रिजल्ट मिलता है। लेकिन फिर भी मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि इन्हीं से लिए जो बजट है, देखो कम से कम 500 रुपये बजट लेके चलो, 500 रुपये आप पर डे स्पेंड कर सकते हो। अब एक चीज़, एक आइडिया मैं आपको देता हूँ, ठीक है, 500 नहीं 300 के बारे में ही बात कर लेते हैं। मान के चलो बहुत लोअर बजट आपका 300 रुपये लेके चलो, 300 रुपये पर डे का बजट होना चाहिए और आपका जो ओवरऑल बजट आप 4-5 दिन तक ऐड रन करो, 5 दिन तक ऐड करोगे तो एक कैंपेन आप 1500 में चला पाओगे 5 दिन तक। ठीक है, 3-5 हाँ ठीक है, तो आप इस तरीके से चला पाओगे। अब इसमें क्या है, क्योंकि कम बजट में आपके पास एक मौका खोज नहीं होता कि आप मल्टीपल कैंपेन टेस्ट कर पाओ, एक ही कैंपेन में आप 300 का बजट डालोगे। लेकिन जब 300 रुपये का कैंपेन आप चला रहे हो तो प्रोडक्ट का प्राइस भी उसी अकॉर्डिंग होना चाहिए। अगर आपका प्रोडक्ट का प्राइस भाई 1400 रुपये है, 1200 रुपये है, तो 300 के कैंपेन बजट में कोई परफॉर्मेंस नहीं आने वाला। 600 रुपये का प्रोडक्ट प्राइस है, आराम से 300 का कैंपेन बनाओ, इन्हीं से लिए 1-2 दिन में आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। इस तरीके से, क्योंकि मैंने प्रोडक्ट के प्राइस के हिसाब से बताया, तो प्रोडक्ट के प्राइस से ही आपको बजट डिसाइड करना होता है। अभी मेरे प्रोडक्ट का प्राइस है 1400 रुपये, ठीक है, अगर मेरे प्रोडक्ट का प्राइस है 1400 रुपये तो एक कैंपेन के लिए मेरा स्पेसिफिक जो बजट होगा वो 600 होगा। कम से कम मैं एक कैंपेन को 600 रुपये डाल के रखूँगा, ठीक है। अब अगर मैं मल्टीपल कैंपेन बना देता हूँ एक ही दिन में, मैंने 4 कैंपेन बना दिए, ठीक है, या 5 कैंपेन बना दिए, तो एक दिन का बजट हो गया 3000 और हम मुझे रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि मैंने प्रोडक्ट के प्राइस के हिसाब से बजट भी डिवाइड किया। तो इस तरीके से आपको, इस तरीके का कॉन्सेप्ट आपको अपने मार्केटिंग में लगाना पड़ेगा। अब एक अगर एक सटीक बात बोले तो बजट क्या है, वो 300 रुपये से ही ऊपर होना चाहिए, मतलब मिनिमम तो 300 होना चाहिए और मैक्सिमम कितना ले जा सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं। मैक्सिमम का भी एक क्राइटेरिया होती है, देखो मैक्सिमम की बात करें तो अगर आपको रिजल्ट आ रहा है तभी आप ज़्यादा बजट लगाओ, मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, रिजल्ट आ रहा है तभी बजट लगाओ, लेकिन मिनिमम 300 रुपये बजट लेके चलो। और अगर एक कैंपेन बना रहे हो तो उसके ऊपर 300 रुपये स्पेंड करो, मल्टीपल कैंपेन बना रहे हो तो फिर भी आप 300 रुपये, अगर आपका बजट है तो आपने 3 कैंपेन बना दिया तो वैसे ही 900 रुपये का पर डे बजट हो गया, और इस हिसाब से डिसाइड कर सकते हो। बजट वगैरह का खेल आप कैलकुलेट कर सकते हो। किसी भी चीज़ को शुरू करने से पहले एक बार प्रोडक्ट प्राइसिंग, मार्केटिंग एक्सपेंस, इन सब सारी चीज़ों के बारे में देखिए और टेस्ट करिए, ठीक है। लास्ट में मैं आपको बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप पे आप विजिट कर सकते हैं, हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं, वो सर्विसेज काफ़ी सारी ट्रबल शूटिंग और भी डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।